हेलो फ्रेंड, आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर इस फोर्थ लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर का क्लासिफिकेशन चल रहा है क्रॉप्स का, उसमें हम तीसरा टॉपिक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि पकने के आधार पर या श्वसन दर के आधार पर। ठीक है, ये मतलब दो प्रकार के होते हैं, श्वसन दर के आधार पर या पकने के आधार पर। ठीक, सबसे पहला क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो पकते समय उनकी जो श्वसन दर व इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है, यानी कि क्लाइमेटिक फल वह होते हैं जो पकते समय श्वसन की दर में व इथाइलिन की दर में क्या वृद्धि होगी उनकी। ठीक, नोट, ये पॉइंट है इसका मेन है। इसमें देखो, इस फल व सब्जियों को, यानी कि ऐसे फल व सब्जी जो तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, जिन्हें हम मतलब तोड़ने के बाद पका सकते हैं, वो हमारे किस मांग है, क्लाइमेटिक कंडीशन मांग है। कौन सी मांग है, क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं मैंगो है, बनाना है, गुआवा है, बेलपत्र है, एप्पल है, और जी क्या हमारा सपोटा है, ठीक है, चीकू है, ठीक, आम, केला, अमरूद, बेलपत्र और सेब और चीकू। ठीक, ये क्या आप इन्हें तोड़ने के बाद पका सकते हो। जैसे कि हम आम है, इसे जो है हम मतलब तोड़ने के बाद पका सकते हैं। केला है, केले को हम कच्चा तोड़ लेते हैं तो उसे तब भी पका देते हैं। अमरूद भी है, हमारा सेब भी एक ऐसे प्रकार का फल है, चीकू भी, और एक बेलपत्र। ठीक है, आप बस एक इसी चीज़ को आप अपने ध्यान में रखो जो तोड़ने के बाद पकाए जा सके, उन्हें हम क्या कह लेते हैं, क्लाइमेटिक फल कहते हैं। ठीक, वेजिटेबल में देख सकते हैं क्या, टमाटो है, और क्या है हमारा, मस्क मेलोन है। ठीक है, मस्क मेलोन है यानी खरबूजा है। ठीक, क्योंकि खरबूजा जो है फल में नहीं आता, ये वेजिटेबल में ही आता है, दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन क्लाइमेटिक फल जो है वो होते हैं, फल या सब्जी वो होते हैं जो जिनके पकते समय श्वसन जो है, श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। ठीक है, इनकी श्वसन व इथाइलिन की दर में क्या, कमी हो जाती है। ठीक है, नोट, यानी कि ऐसे फल व सब्जी जो तोड़ने के बाद नहीं पकाए जा सकते, यानी कि ऐसे फल व सब्जी जो तोड़ने के बाद नहीं पकाए जा सकते, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन क्लाइमेटिक फल बोलते हैं। जैसे आंवला है, आंवला अगर आप तोड़ के उसे पकाओगे तो वो क्या आपका सड़ जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। ठीक है, नींबू है, नींबू आप जो है मतलब तोड़ने के बाद नहीं पका सकते, ठीक, क्योंकि अगर आप तोड़ने के बाद उसे पकाओगे तो ये खराब हो जाएगा या सूख जाएगा। ऐसी हमारे क्या, अंगूर है, ऐसी अनार है, बेर है, फालसा है, लीची है, पाइनएप्पल है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। फिर उसके बाद है वेजिटेबल में क्या क्या है हमारा, क्या है, कुकुम्बर है, अरे क्या, वाटरमेलन है। ठीक है, यानी कि खीरा है और तरबूज है। ठीक, इसमें क्या होता, नोट में ये चीज ध्यान रखो, इसमें इथाइलिन अवशोषण रासायनिक पाया जाता है, कौन सा होता, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कौन सा होता, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें जो है जिसकी कमी से जो इनकी क्या है, रेस्पायरेशन की दर जो क्या कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ के आधार पर। ठीक, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि विकास की निरंतरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ के आधार पर। पेड़ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन, सदाबहार पौधे होते हैं और पर्णपाती होते हैं। ठीक है, पर्णपाती और सदाबहार, ठीक, दो प्रकार के हमारे। ठीक, इसमें हम देखते हैं दो प्रकार के हमारे पेड़ होते हैं। सदाबहार कौन से होते हैं, सदाबहार वह प्लांट होते हैं जैसे आम है, केला है, पत्ती है, पपीता है, नींबू है, नींबू वर्गीय व अमरूद। आपने देखा होगा इनके कभी भी क्या है, पत्ता नहीं गिरते। ठीक है, ये हमेशा क्या है, पर्णपाती हैं। ठीक है, ये फल हैं, इनके कभी भी कोई भी पत्ता नहीं गिरता, आप देखते होगे ये हर समय हरे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पर्णपाती वे होते हैं जिनके मतलब एक समय पर आने पर उनकी ड्यूरेशन जो ख़त्म हो जाती है, वे अपने जो लीव्स हैं प्लांट वो अपने गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या है हमारा, बेर है, अनार है, अंगूर है, वह आंवला है। ठीक है, आपने देखा होगा बेर की जो झाड़ी हैं वो भी अपने पत्ते ज़्यादातर गिरा देती हैं, अनार भी अपने एक समय पर आने बाद अपने लीफ गिरा देता है,
ठीक है, ग्रेप्स भी है वो, वह आंवला भी है, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं किसके आधार पर हम, नोट, सदाबहार पौधे, सदाबहार जो पौधे हैं उन्हें लगाने का समय क्या है हमारा, जून जुलाई में हमने क्या लगा सकते हैं, यानी कि सदाबहार पौधों को हम कब लगा सकते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। और जो पर्णपाती पौधे होते हैं उन्हें कब लगाते हैं, दिसंबर और फरवरी में, दिसंबर और फरवरी में इनके का हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है कि आम को हम किस समय, आम के प्लांटिंग, जो प्लांटिंग है वो हमें किस टाइम करनी चाहिए, तो जून जुलाई में हम इसकी क्या प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक। ऐसे पर्णपाती का पूछ सकता है, जैसे कि उसमें पूछ ले यानी कि बेर की, ठीक, उसमें जो है बेर की पूछ ले या क्या है ग्रेप्स की पूछ ले, तो हमें वो किस समय लगाना चाहिए, दिसंबर और फरवरी में, ठीक है, क्योंकि इस समय ये अपनी लीव गिरा देते हैं, उस समय इनके क्या लगता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ किसके, परागण के आधार पर देखेंगे, ठीक है, हम किसके, परागण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, एक स्व परागण, पर परागण, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, स्व परागण और पर परागण। स्व परागण क्या अंश होता है, यानी कि एक पुष्प के परागण, पराकरण, यानी कि एक पुष्प के परागण का उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के मादा भाग पर वर्तिका काग्र तक पहुंचना, यानी कि इसका कहने का मतलब है एक हमारा क्या है, प्लांट है, ठीक है, एक ही हमारा क्या है, प्लांट है। जैसे एक हमारा प्लांट है ये, इसे आप एक प्लांट मानो, इसी पे जो है ये मतलब हमारी लीव्स हैं, ये कुछ इस तरीके से लीव्स हैं, इसके बाद जो इसके जो कुछ मतलब फ्लोवर है ये बना दिया हमने इस तरीके से, ठीक है, इसी का है। इसका कहने का मतलब उसी पुष्प के परागण, यानी कि जो इसके अंदर परागण पाए जाते हैं पुष्प के, उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के मादा भाग पर, यानी कि इसी पुष्प पर, जैसे ये यहाँ पर है इसका कोई वो है, यानी कि इसी के पौधे का इसी के मादा भाग पर आके क्या मिल जाना, ये क्या कहलाता है हमारा, स्व परागण कहलाता है, यानी कि वर्तिका काग्र तक पहुँचाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, स्व परागण कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बनाना है, बनाना है, टमाटो है, पी है और ग्रेप्स है, ठीक है, यानी केला, टमाटर, टमाटर मटर और अंगूर, ठीक। उसके बाद है पर परागण, पर परागण में क्या होता है, यानी कि ये दोनों पौधे क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये दोनों पौधे अलग अलग होते हैं इस तरीके से, ये अलग अलग होंगे, इसी का ही जो है एक पार्ट जो है मतलब इस तरीके से इस पे क्या आ जाता है, यानी कि आपस में क्या है क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक पुष्प के परागण का उसी जाति के, यानी कि ये दोनों एक ही जाति के होने चाहिए, ये दोनों क्या एक ही जाति के होने चाहिए, अन्य पुष्प मादा तक पहुंचना, ठीक। जैसे ये हम पपीते की क्रॉप्स को जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ये सब पपीते के ही दोनों क्या आपस में होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यानी कि उसी एक पुष्प के परागण का उसी जाति के अन्य पुष्प के मादा तक पहुंचना क्या कहलाता है हमारा, पर परागण कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा है, हमारे पालक है, पपीता है, खजूर है, आंवला है, ठीक है। ये जो परागण होता है, परागण जो होता है ये किसके थ्रू होता है, ज़्यादातर इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। अब आप नोट्स में देख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंस है, नोट्स को आप ज़्यादातर ध्यान रखें, इन चीज़ों को जो आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से जो हमने ये थोड़े नोट्स के रूप में लिख रखे हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे घरेलू मक्खी से कौन सा आम में परागण होता है, यानी कि अगर आपसे पूछ लगे आम आम में किसके थ्रू जो है उसमें परागण होता है, तो आप बता सकते हैं कौन सी हाउस फ्लाई, कौन सी हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी पाई जाती है उसके थ्रू क्या हमारा आम में परागण होता है, ठीक है। कृत्रिम परागण, हस्त परागण, यानी कि कृत्रिम परागण या हस्त परागण ये किस में होता है हमारे, डेट पॉम में, यानी कि खजूर में होता है, ठीक है। अब इनके हम जो है कुछ मध्य है मतलब पर परागण के जो कौन कौन से, देखो एक तो एयर्स द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, वाटर द्वारा, और जी बर्ड्स द्वारा, और जी घोंगा द्वारा, और चमगादड़ द्वारा, और जी चींटियों द्वारा, ठीक है। अब ये हमने इनके कुछ जो है नाम रख रखे हैं जो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि एनीमोफिलस, एनीमोफिलस के द्वारा मतलब कौन सा परागण होता है, तो आप उस पर लगाओगे पर परागण, ठीक है, क्या लगाओगे आप, पर परागण, ठीक। ये होते हैं, एक बार आप इन्हें ठीक से देख लो।
जिससे कि आपको एक बार ये ठीक से सब समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ठीक, आप जो है इसी तरीके से हम पर जो है अपना प्यार बरसाए रखें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आप तक कोई नई से नई वीडियो पहुंचा सकें, और आपकी जो परीक्षा तक हम आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा सकें। ठीक है, इस वजह से हमारी वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।